सुप्रभात मित्रों, मेरा नाम रसिका दत्तात्रेय लावण, कक्षा 9वीं की छात्र विवेकानंद अकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस में पढ़ती हूँ। आज मैं सभी धर्म एक समान इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ। भारत देश में कई धर्म के लोग रहते हैं और सभी अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं। आज कई लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं और कई लोगों ने तो धर्म के नाम पर भगवान को ही बांट दिया है। क्या ईश्वर ने हमें इस धरती पर धर्म के नाम पर लड़ने भेजा था? नहीं, बल्कि ईश्वर ने तो हमें एक दूसरे की मदद के लिए बनाया। मेरा मानना है कि सभी ग्रंथों में एक ही बात का उल्लेख किया गया है और वह यह है कि आपको किसी पे भी अन्याय नहीं करना चाहिए और जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए। आज भी सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं, पर क्या सभी धर्म अलग होते हैं? नहीं, सभी धर्म के लोग इंसान होते हैं और जिस भी इंसान में इंसानियत नहीं होती है वह किसी भी धर्म को अपनाने के लायक नहीं होते। हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है शिक्षा और इंसानियत। मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्या सूरज का कोई धर्म होता है? नहीं, परंतु सूरज हर तरफ एक समान एक स्वरूप रोशनी देता है। ना हवा ना जल, किसी का भी कोई धर्म नहीं होता, परंतु सबका समान योगदान होता है। जब हमारी आत्मा पवित्र होगी और हम सच्चाई के साथ जिएंगे, तब हमें धर्म के नाम पर कोई भी लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी और हम आराम से रह सकेंगे और अपना अपना विकास कर सकेंगे। धन्यवाद।